नमस्ते जी सभी को। आज बात करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो आपके काम आएंगी अच्छे से। तो देख लेते हैं वो क्या क्या हैं। तो आप जब भी सब्ज़ी लेके आए तो उनको अब मतलब हमेशा साफ़ करके धो के सुखा के तभी आप फ्रिज में रखें। जैसे मैं अभी सब्ज़ी लेके आई थी तो मैं अभी इनको सबको धो के मतलब सुखा के और तब फ्रिज में रखूँगी 1-2 घंटे के बाद। देख सकते हैं आप, जैसे भिंडियाँ वगैरह हैं अभी हम धो के रख देंगे तो सूख जाएंगी। जब हमें बनानी हो तो आसानी हो जाती है, लेकिन जब बनाना होता है तभी धो उनको तो वो गिल्ली होकर हाथ जब हम काटते हैं उनको तो चिपचिपी हो जाती है। तो ऐसे ही सभी सब्जियाँ आप पहले जब भी लाएँ तो उनको अच्छे से क्लीन करके रख लें, जब वो सूख जाएँ तब फ्रिज में रख दें और उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत हो निकालो और बना लो। ऐसे में ऐसा होता है कि बच्चे भी कई बार बना लेते हैं तो ये डर नहीं रहता कि भाई धुली हुई नहीं थी, बच्चों ने मतलब कीटाणु थे, ये था वो था, तो उस सब से आप पीछा छूट जाता है। और काम की इम्पोर्टेंट टिप्स है, अगर आपको अच्छी लगती है तो जैसे मैं अपने जीवन में ये सब करती हूँ आप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सोचा मैं आज ये कर रही थी तो इसलिए चलो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और देखो ये गोभी में जो एक्स्ट्रा डंठला था मैंने अभी काट दिया है क्योंकि फ्रिज में एक्स्ट्रा ही जगह घेरती हैं ये चीज़ें। और मैं सबको अच्छे से क्लीन करके ऐसे एक बास्केट में लगाती रहती हूँ और जब ये थोड़ी ड्राई हो जाती है तब इनको सबको। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं स्टोर कैसे करती हूँ सब्जियों को, क्योंकि अगर आप इनको एज इट इज़ रख देंगे फ्रिज में तो कई बार सब्जियाँ सूख भी जाती हैं और अगर पन्नियों में रखते हैं तो वो गल जाती हैं। कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं कि हमें पन्नी में रखनी पड़ती हैं, मजबूरी है, लेकिन मैं कैसे रखती हूँ आज मैं आपको वो तरीका दिखाऊंगी। और मैं धनिए को भी सब ऐसे ही सारा गड्डी की गड्डी एक साथ धो के और जो इसकी ये जड़ होती है इसको काट के रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब मुझे बनाना होता है तो आराम से थोड़ा सा निकालो और अपना सब्जी में डाल लो, धुला हुआ रखा रहता है। और ये अगर आप इस तरह आप इसको धो के सुखा के रखोगे तो ये ख़राब भी नहीं होता है, 8 से 10 दिन आपका धनिया इतना अच्छे से चल जाता है, बहुत अच्छे से। तो अभी मैं इसको रख दूँगी जब तक इसका पानी टपकेगा। ये ऐसे ही है, यहाँ कुछ देर के लिए रखे रहेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं स्टोर कैसे करती हूँ सब्जियों को। जैसे टमाटर हैं, टमाटर तो मैंने एक बास्केट बना रखी है, इसी में मैं रखती हूँ सारे। और ये जो डब्बा है इसमें मैं रखती हूँ धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता। तो इस तरह का आप डब्बा लें कोई, उसमें नीचे एक नैपकिन बिछा लें। अब देखो ये मेरा पुदीना जो है कम से कम 8 दिन पुराना है, लेकिन आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा, जैसे अभी बिल्कुल फ्रेश आया। और आज मैं लेके भी नहीं आई थी तो ये मैंने धनिया भी इसी में रख दिया और ऊपर से रखा दिया एक नैपकिन, जो इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना वो इसको नैपकिन सोख लेता है। और आप इसको रख दें, ये आपका 8 दिन धनिया बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा, हरा का हरा एकदम बढ़िया। ऐसे ही मैं एक डब्बे में ये क्या बोलते हैं अदरक, इसको भी स्टोर करती हूँ धो के ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके और नैपकिन लगा के ही रख देती हूँ। तो उससे क्या है अदरक भी जल्दी ख़राब नहीं होता है ना ही सूखता है और आपका एकदम बढ़िया फ्रेश फ्रेश आपको सब्जियाँ मिलती रहती हैं। अभी डब्बा एक्स्ट्रा ही भर गया है थोड़ा सा। और नींबू भी देखो मैं इसी तरह स्टोर करती हूँ एक डब्बे में। और अब आती है बात सब्जियों की, तो मैंने ये ना थैलियाँ बना रखी हैं छोटी छोटी। और जैसे ये अरवी हैं ये तो मुझे पन्नी में ही रखनी पड़ती हैं क्योंकि फिर ना थैली बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है इनसे। तो ये जो बैंगन वगैरह है और ये सब सब्जियाँ हैं मैं इन थैलियों में करके रखूँगी और मैं इन्हें जब ये गंदी हो जाती हैं धो देती हूँ। मैं पन्नी में कम से कम कोशिश करती हूँ कि पन्नी में ना रखूँ सामान। तो जैसे घिया है, खीरे हैं या तोरी वगैरह होती हैं, जो भी सब्जियाँ होती हैं इस तरह करके सबसे नीचे मैं इनको रख देती हूँ क्योंकि ये थोड़ी हार्ड है तो इसलिए नीचे आ जाती है। ऊपर मैं फिर जो भी मतलब मैं 4 या 5 थैलियाँ हैं मेरे पास, जो भी मैं 4-5 सब्जी लेके आती हूँ एक बार में 2-3 दिन की, तो मैं इसी तरह इनको सबको पैक कर करके और रख देती हूँ। इससे ये बिल्कुल फ्रेश बनी रहती हैं क्योंकि कपड़े में से हवा भी पास होती रहती है। और पेठे को मैं ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी हार्ड है। और इसमें रख दूँगी मैं भिंडी जो मैंने सारी धो ली है। भिंडियों में अभी अगर आपको लग रहा है कि पानी भी होगा थोड़ा बहुत तो ये कपड़ा सोख लेगा उससे, और ये बिल्कुल ताज़ी बनी रहती हैं। अगर आप इनको 3-4 दिन बाद भी बनाएंगे तो ये आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेंगी जैसे अभी आई हो बाज़ार से एकदम।
प्रेस। तो आप, मैं इन्हें ऐसे स्टोर करती हूँ, आप चाहे जैसे करना। नेक्स्ट टिप है दूध को लेकर। भगोने में अक्सर तली में दूध लग जाता है, इसका क्या कारण है? तो दूध आप छानने से पहले, जब आपका भगोना सूखा हो उसमें सीधा दूध ना डालें। तो सीधा दूध डालेंगे तो लग जाएंगे, उसमें आप थोड़ा सा ऐसे एक घूंट पानी डाल लें और ऐसे हिला लें तली में। उसके बाद आप इसमें दूध छाने। तो अगर आप पहले पानी डाल के उसके बाद दूध छानेंगे तो दूध कभी भी भगोने की तली में लगेगा नहीं, ना ही जलेगा। और अगर आप सीधा सूखे भगोने में दूध डाल देते हैं तो वो जल जाता है। तो आप ऐसे करके देखें, अगर अच्छा लगे तो मुझे बताना। तीसरी टिप है दूध के डब्बे को लेकर। अक्सर दूध के डब्बे में बदबू आती है, हम धोके ऐसे इसको बिल्कुल ऐसे मुंदा करके रख देते हैं। ऐसे नहीं रखना है, ये ढक्कन है, इसको ऐसे थोड़ा तिरछा करके रखें ताकि हवा ना इसमें से पास होती रहे। तो उससे क्या होगा, डब्बे में बदबू भी नहीं आएगी और आपका दूध भी ख़राब नहीं होगा, ये बिल्कुल ओके है। तीसरी टिप आती है, वो चौथी टिप आती है, हमें इसको पालक को कैसे ज़्यादा दिन स्टोर करके रख सकते हैं। आपने देखा होगा पालक बहुत जल्दी मुरझा जाता है, तो इसके लिए मैंने साफ करके पालक ले लिया है और ये मैंने गर्म पानी कर लिया है। इसमें मैं इसे पूरे ऐसे ही साबुत पालक को गर्म पानी में डिप कर दूंगी। और ये मुझे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, मुश्किल से 2 मिनट। इसको बोलते हैं पालक को ब्लांच करके रखना। अगर आप इस तरह पालक को करके स्टोर करेंगे तो आप कितनी ही भी जल्दी हो आपको फटाफट डिश बना सकते हैं और आपका पालक 10 से 15 दिन आराम से चल जाएगा। तो ये मैंने इसमें गर्म पानी में इसको डाल दिया है, और गर्म पानी में कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल प्लेन पानी है। एक तरफ वो गर्म हो रहा है, इधर मैं ठंडा पानी ले लेती हूँ एक भगोने में। इसमें मैं डाल लेंगी कुछ बर्फ़ के टुकड़े, बिल्कुल ठंडा पानी करना है मुझे। उधर गर्म उबल रहा है पालक और इधर मुझे करना है ठंडा पानी। और देखो ये बिल्कुल मॉइस्चर हो गया है, मतलब मॉइस हो गया है ये एकदम ऐसे गला गला सा। पकाना नहीं है, खदका नहीं लगाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए पालक। अब इसको हम निकालेंगे इसमें से, भगोने में से। हम इसको ऐसे एक चिमटे की, चम्मच की, किसी भी चीज़ की मदद से आप ऐसे आराम से उठा लें इसको पालक को। और ये आसानी से निकल जाता है क्योंकि पूरा साबुत साबुत है। और इसे ठंडे पानी में डाल दें, एकदम ठंडे पानी में। इससे क्या होगा, जो इसका पकने का प्रोसेस है ना वो रुक जाएगा ठंडे पानी में जाते ही। ये जितना गला है बस उतना ही गलेगा, इससे ज़्यादा नहीं गलेगा। देखो ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। ऐसा करने से पालक का कलर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा, ये ग्रीन का ग्रीन बना रहेगा। जब भी आप बनाएंगे डिश कोई भी, इससे आप दाल पालक बना सकते हैं, पनीर पालक बना सकते हैं, आलू पालक बना सकते हैं, या पालक का पराठा बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो आप इसे ऐसे एक मिक्सी के जार में डाल लीजिए इस तरह ठंडा करके, और इसको चला लीजिए। ये देखो कलर देख रहे हैं आप पालक का, कितना ग्रीन है। अब आप इससे दाल पालक, आलू पालक, पनीर पालक जो चाहे बनाइए और खाइए। और ये आपका पालक 10 से 15 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, एक डब्बे में कर लिया है और फ्रिज में इसको मैं रख दूँगी। ये एक डन हो गया है। अब बात आती है मिर्चों की। हम बहुत सारी हरी मिर्च ले आते हैं, पन्नी में रख देते हैं। उनसे क्या होता है कि ये कोई गल गई, कि बदबू हो गई। ये देखो जो मैं पीछे मिर्च लेके आई थी, देखो कितनी अच्छी रखी है, एकदम कलर एकदम परफेक्ट, कोई ख़राब नहीं है इसमें मिर्च। और ये कम से कम है 10-15 दिन पहले की मिर्च है। मैं इनमें टिश्यू पेपर लगा कर रखती हूँ। तो ऐसे ही आप भी सबके डंठ धो के रख दी थी मैंने, ये इनके डंठले तोड़ के अलग कर देंगे सबके। और डंठे तोड़ने के बाद हम सब को इनको इस डब्बे में ऐसे रख लेंगे सारियों को। तो देखो ये इस डब्बे में रखी रहेंगी, ऊपर से देखो मैंने सारे डंठले तोड़ के, यदि कितना कूड़ा निकला अभी, ये सब अलग हो गया। अब आप ये की मिर्च एकदम ओके, सारी साफ़ हैं। और ये आपकी मिर्च 1 महीना भी ख़राब नहीं होंगी अगर आप इस तरीके से रखेंगे। तो ये आपका डन हो गया है, इस तरह से आप करके रख सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी टिप्स है अगर आप फॉलो करेंगे तो। बात आती है पन्नियों की। हमारे घर में बहुत सारी पन्नी इकट्ठी हो जाती है और हम ऐसे कहीं भी रखते रहते, तो इस तरह एक किसी छोटे डब्बे का इस्तेमाल करें, पन्नियों की तय बनाएं और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके ऐसे
आप इसमें रखते रहें, इसमें आपकी कम से कम है 50 से ज़्यादा पन्नियाँ आ जाएंगी और जगह भी नहीं गिरेंगी और गंदी भी नहीं लगेंगी। तो इस तरह आप इनको स्टोर कर सकती हैं और कहीं भी जहाँ आपको जगह लगे, मैं इन्हें यहाँ पर रखती हूँ तो जब ज़रूरत हो यहीं से हम निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली टिप्स की। हमारे घर में अधिकतर ब्रेड बच जाती हैं, हम इन्हें ऐसे लपेटते हैं और ऐसे रखते हैं तो उससे क्या होता है, कई बार हाथ लगता है तो ऐसे ही खुल जाती हैं और ब्रेड जाती हैं सूख। तो इसका एक अच्छा तरीका है, आप इसे अच्छे से टाइट करें, ऐसे लपेटें और जो एक्स्ट्रा आपका ये ऊपर ब्रेड का पन्नी है इसको इस ऐसे वापस इस पर फोल्ड कर दें। तो इससे आपकी ये खुलेगी भी नहीं, रबड़ की भी ज़रूरत नहीं है और आपकी ब्रेड एकदम फ्रेश रखी रहेंगी कई दिनों तक। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय।